Hi all my dear stars, welcome back to my YouTube channel that is Stars999। उम्मीद करती हूँ गाइज आप सब अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे, साथ ही साथ आप लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहोगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहेगी कि जहाँ पर ये एनर्जी बेसिस पर रहेगी गाइज। ओके, इसके चलते कार्ड्स मैंने कैसे निकाले हैं, कैसे शफल किया है, मैं ये वीडियो भी डाल दूंगी, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा कि मैंने ऐसे ही रैंडमली कार्ड्स पिक किया है। नहीं, ओके, ये शफल करके ही मैंने एनर्जी को निकाला है। तो आपका यहाँ पर सवाल रहेगा हैप्पी फैमिली के चलते, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप के मामले में, आपके लाइफ में खुशियाँ आने के मामले में। तो आप देखोगे 888 की एनर्जी, ओके, 888 की एनर्जी आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी अभी, ठीक है। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन फेज आ जाएगा कि जहाँ पर आप अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देख रहे थे एक खुशहाल परिवार के लिए, पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, राइट, आपके रिकंसिलेशन के लिए, आपके सच्चे हम सफ़र के लिए, कि जहाँ पर आपका ना एक लंबा फेज हो सकता है, आपने ना उम्मीद खो दी है, आप आशा खो दी है कि मेरे तरफ कोई सच्चा पार्टनर आएगा, हम सफ़र आएगा, ओके, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है, साथ ही साथ सेपरेशन फेज हो रहा है, बार बार सेपरेटेड हो रहे हो आप, राइट, कोई रिश्ता आता है तो वापस आपका सेपरेशन हो जाता है। तो एक तरीके से आप लोगों के लाइफ में ना एक एंसेस्ट्रल पैटर्न चल रहा है गाइस, ओके, एंसेस्ट्रल पैटर्न या फिर हम जैसे बोलते हैं पूर्वजों का एक कार्मिक फेजेस रहता है ना, वो चल रहा है। अभी आप देखोगे 888 के तहत आपके जो भी कार्मिक फेजेस है उससे कहीं ना कहीं आप लोग निकलने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो पूर्वज है, आपके हैप्पी फैमिली के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके सच्चे हम सफ़र के लिए, कहीं ना कहीं उनकी आशीष के चलते आप ना अपने पार्टनर को मिल जाओगे, उनको पा लोगे या फिर अपने फैमिली को कंप्लीट आप लोग पाओगे गाइस, ठीक। या यहाँ पर मुझे आपकी इस खुशियों के लिए इंतज़ार दिख रहा है, वो है 8 साल, 16 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, उसके बाद है यहाँ पर 10 साल, 7 साल, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर मुझे 16 साल का इंतज़ार दिख रहा है गाइस, कि इस खुशी के लिए आप लोग तरस रहे हो, इस खुशी के लिए आप लोग हो सकता है कि मैनिफेस्टेशंस कर ही जा रहे हो, प्रेयर्स कर ही जा रहे हो, कंसल्टेशंस कर ही जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी आपके जीवन में नहीं आ रही है, बाधाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट, एंड इसके चलते ही आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि अभी बी रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बी रेडी फॉर दिस चेंज इन योर लाइफ, ओके, जो कि अभी यूनिवर्स आपके लिए करवाएंगे, एंजल्स आपके लिए करवाएंगे, आपके पितर आपके लिए करवाएंगे, राइट। तो ठीक है, ये सिचुएशन अब तक आपके लाइफ में छिपा हुआ था, या फिर मैं कहूँ तो लॉट ऑफ फेजेस से आप लोग गुजर रहे थे अपने अपने गोल को मीट करने के लिए, अपने सच्चे हमसफर को मीट करने के लिए, क्योंकि पहली एनर्जी आपके लिए हैप्पी फैमिली का निकला है गाइस, ओके। हैप्पी फैमिली कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि आपके जीवन में अब तक काफ़ी दूरी आप लोगों ने देखी है, लॉट ऑफ फेजेस आप लोग गुजर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, किसी का किया हुआ हो सकता है, किसी ने आप जादू करा है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, क्रिया करी है गाइस, ओके, ये कुछ भी हो सकता है। इसके चलते हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से नहीं मिल रहे थे, इसके चलते आपकी शादियां टूट रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, रोका टूट रहा था, एंगेजमेंट टूट रहा था, लेकिन अभी अभी यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप सारे इस बंधनों से आज़ाद होने वाले हैं, एंड यहाँ पर आपके जो एल्डर है, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो पूर्वज है, आपके इस फैमिली के लिए इनका आशीष रहेगा, इनका आशीर्वाद रहेगा, एंड दैट्स वाई आप अपने सच्चे हमसफर को पालोगे, सच्चे सोलमेट को पालोगे, जिसकी आप लोग लगातार तलाश कर रहे हो गाइस, लगातार तलाश कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर टाइमलाइन की बात करूँ तो कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि रिश्ता ऑलरेडी आया है, या फिर आप लोग पूछताछ कर रहे हो, कुछ वर्ष के लिए हो सकता है रिश्ता अभी तक हिडन है, आपसे छिपा हुआ है, या फिर जो शादी जमाने वाले लोग हैं ये आपकी तरफ वो रिश्ता नहीं लेकर आ रहे हैं, उनकी तरफ ये रिश्ता हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता अब तक आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा। अगर मैं टाइमलाइन की यहाँ पर बात करूँ तो मुझे 4 वीक्स 4 मंथ्स का समय दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन का ये हैप्पी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ओके। यहाँ पर मुझे जो मौजूद राशियाँ दिख रही है वो है लियो की साइन है, पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस वगैरह कैप्रिकॉर्न है, एंड एरिस लियो सजिटेरियस है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, लेकिन जो मेन एनर्जी आपके लिए निकली है वो है
हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, राइट। तो लॉट ऑफ चीज़ें आप लोग देख रहे हो गाइज, एंड कहीं ना मैं ये भी महसूस कर रही हूँ गाइज कि ना आपके जीवन में एक तरीके से पॉज का दौर था, या फिर मैं कहूँ तो ना लॉट ऑफ मायूसी से आप लोग गुजर रहे थे, कि नो डाउट हिम्मत आपने बना के रखी है, करेज आपने बना के रखी है कि हर एक मुसीबत का सामना आप लोग कर रहे हो, या फिर हर एक मुसीबत से आप लड़ गुजर रहे हो, फैमिली से लड़ गुजर रहे हो, लोगों से लड़ गुजर रहे हो, राइट। लेकिन फिर भी लोग आपको ताना मारते हैं, लोग आपको सुनाते हैं, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो, आप अपने नेचर को कंट्रोल कर लेते हो, राइट। अपने आप को जाहिर नहीं करते हो, अपने गुस्से को जाहिर नहीं करते हो, कहीं ना कहीं कुछ वर्स हो सकते हैं यहाँ पर ना, खुद को कोस रहे हैं, अपने कर्मा को कोस रहे हैं, अपने डेस्टिनी को कोस रहे हो कि यार मैंने क्या गलत किया है कि मेरे लाइफ में मैं जो खुशी चाह रही हूँ या मांग रही हूँ वो ईश्वर मुझे नहीं दे रहे हैं, ओके। लगातार आप प्रेयर्स करे जा रहे हो, लगातार आप मैनिफेस्टेशंस करे जा रहे हो, लेकिन इसका जो फल है वो आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके आसपास जो है ये निगेटिव चीज़ें हैं, आपके आसपास किसी ने करा हुआ है, या फिर ना लोग आप पर अच्छे भाव से नहीं देखते हैं, लोग आपसे जलते हैं, या कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है कि आपसे काफ़ी जलती है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि आपकी शादी हो जाए, उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि आपको बच्चे हो जाए, उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि आपकी जो हैप्पी फैमिली है ये आगे बढ़े, या फिर आप ना खुश रहो अपने फैमिली में, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके एंसेस्टर जो है इन्होंने बेड़ा लिया है, जो पितृ है इन्होंने बेड़ा लिया है, एंड इसी के तहत आप देखोगे कि आप अपने जीवन का जो हैप्पी फैमिली का जो मोमेंट है ये चख लोगे आने वाले समय के लिए, एंड आप इस पैटर्न से कंप्लीट आजाद होंगे। ये पैटर्न आपके जीवन का कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है कि जहां पर इस पैटर्न के चलते या फिर इस सिचुएशन के चलते एक नाराजगी से आप लोग गुजर रहे थे या गुजर रहे हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके इस रिश्ते के लिए एक तरीके से ना तेजी से सारी चीजें होने लगेंगी जो आपके उम्मीद से परे होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्स ये बता रहा है कि जो चीज़ें अब तक आपसे छिपी हुई थी, या फिर जो रिश्ते सोल में जो पार्टनर अब तक आपकी तरफ नहीं आ रहा था, तो उसका आना जो है जल्द से जल्द हो जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि आप ना लिटरली इस फेस से बाहर निकलने वाले हो, एंड यहाँ पर 888 की एनर्जी जो है आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी आपके हैप्पी फैमिली के तहत, आपके इस रिश्ते के लिए, या फिर इस पर्सन के लिए, या फिर आपके रिकंसिलिएशन के लिए, आपके बच्चे के लिए, ओके। यहाँ पर कुछ वर्ड्स का हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ कुछ मतभेद चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, लीगल केसेस चल रहे हैं, आप इसके लिए हो सकता है कि काफ़ी रीडिंग्स करवा रहे हैं, राइट, या फिर रीडिंग करने की सोच रहे हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर तौर पर एनर्जीज अभी आपके लिए शिफ्ट हो रहे हैं, एनर्जीज आपके लिए चेंज हो रहे हैं, जो कि 888 एनर्जी आपके जीवन में लॉट ऑफ खुशियाँ लेकर आ रहा है, आपके हैप्पी फैमिली के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके खुशी के लिए, आपके बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर आपको 888 ज़्यादा दिखेगा, साथ ही साथ 222 आपको ज़्यादा दिखेगा, एंड 555 आपको ज़्यादा दिखेगा, 444 आपको ज़्यादा दिखेगा, तो एंजल नंबर्स आपको दिखने लगेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा आपको अंतरात्मा के सुनने हैं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जो है आपको सही मायने में गाइड करेगी कि आपकी तरफ कैसा रिश्ता आएगा, आपका पार्टनर कैसा होगा, या फिर आपका रिकंसिलेशन कब होगा, या फिर आपके बच्चे के चलते मुझे आगे क्या कंसल्टेशंस लेना है, वो आपकी अंतरात्मा, आपकी हायर सेल्फ को गाइड करेगी इस मामले में। आपके पूर्वज तो है, आपके पितर तो है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो हायर सेल्फ है वो आपको सही मायने में गाइड करेगी, सही मायने में दिशा दिखाएगी जहाँ पर आपके लाइफ के जो तार मिसिंग है गाइज, राइट। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट गाइज कि ये जो साइंस रहेंगे, ये जो सिंक्रोनोसिटीज रहेंगे, आपको ईश्वर सपनों के माध्यम से देंगे, ओके। सपनों के माध्यम से हो सकता है, या फिर मैं कहूँ तो रेनबो के चलते हो सकता है, बारिश के चलते हो सकता है, या फिर किसी का फेस आपको दिखने लगेगा, बच्चों का फेस आपको दिखने लगेगा, या फिर मैं कहूँ तो पिरामिड्स आपको दिखने लगेंगे, राइट, किसी बुजुर्ग का फेस आपको दिखने लगेगा। तो ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखने लगेंगे, तो आपको समझ जाना है कि आपके लाइफ का जो फैमिली फेज है ना, जो एक फैमिली पार्टनर का आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, खुशहाली का इंतज़ार कर रहे हो, वो खुशियाँ आने का एक दौर जो है, ये सिग्नल जो है, ये साइंस जो है, ये एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको देंगे, जो कि मैंने आपको बताया,
राइट right? तो कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जैसे कि कहा कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको सही मायने में गाइड करेगी रादर एनी कंसल्टेशंस। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आपको कंसल्टेशंस लेना है नहीं लेना है। अगर लिया है तो इस पर भरोसा रखें कि आपका पार्टनर आपको मिल ही जाएगा एंड आपकी आपकी लाइफ के जो ये हैप्पी फैमिली का जो तार मिसिंग है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है कि आपके लिए ऐसा भी बताया गया है, किसी रीडर ने बताया होगा, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा कि आपकी शादी नहीं होगी या फिर आपको बच्चे ही नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पर रॉन्ग होने वाला है। या फिर मैं कहूँ तो ये एनर्जी, ये यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि जो भी उन्होंने आपको बताया है कम्प्लीटली फॉल्स रहेगा, कि आपने सच्चे हमसफर को मिलने वाले हो आगे जाके। हाँ, सिर्फ यहाँ पर कार्मिक पैटर्न्स था या फिर कार्मिक एंसेस्ट्रल पैटर्न्स रह सकते हैं, दैट्स वाई ना हो सकता है कि उन्होंने आपको ये चीज़ें बताई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया 888 एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। 888 कहीं ना कहीं आपके कार्मिक फेजेस को हटाएगा, साथ ही साथ शनि महाराज की आशीर्वाद के चलते जो भी डिलेज है वो खत्म होंगे आपके हैप्पी फैमिली के चलते। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हासिल करने वाले हो गाइज। ठीक है, एंड ना लिटरली आपकी ये उम्मीद से परे रहेगा, आपके सोच से परे रहेगा, एंड दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर यू कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए सरप्राइज रहेगा, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ। जी हाँ, तो यस, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको टाइमिंग बताया है, इट्स 4 वीक्स 4 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर 8 वीक्स या 8 मंथ्स का समय दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 8 वीक्स में हो सकता है गाइज कि ये कम्युनिकेशन, ये पार्टनर, ये रिश्ता, ये बच्चों की किलकारी आपकी तरफ आ जाए, या फिर ना एक खुशियों का फेज आ जाए कि जहाँ पर आप लोग सेपरेशन हो या फिर डिवोर्स केस कुछ चल रहा है, रिकनसिल आप लोग करना चाहते हो, तो ये मुझे 8 वीक्स का समय दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ वार्तालाप या फिर कुछ रिश्ते आपकी तरफ आए, कुछ प्रोफाइल्स आपके लिए आए जो कि एक कहीं ना मैं कहूँ तो छिपा हुआ था आपसे। ओके, छिपा हुआ था या फिर ये चीज़ें आपकी तरफ नहीं खुल रही थी, नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं 8 वीक्स का समय मुझे दिख रहा है कि ये कम्युनिकेशन, ये कॉल, ये टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आ जाएगा आपके सच्चे हमसफर के लिए, रिश्ते के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए या फिर आपके फैमिली बॉन्ड के लिए। ओके गाइज, तो यस, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पर, तो आखिर में ना कुछ आपके लिए एडवाइस भी मैं लूँगी एंजल्स की तरफ से, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर कुछ एडवाइस मैं लूँगी आपके लिए गाइस। ओके, यहाँ पर आपके लिए लकी डेट रहेगा, मैं बता देती हूँ, 4 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, उसके बाद यहाँ पर 6 तारीख, 10 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 30, 31, ये डेट्स आपके लिए खास हो सकते हैं गाइस। ओके, 17, 18 भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कुछ वर्ष के लिए हो सकता है 20 भी रहे। ओके, ये डेट्स आपके लिए खास रह सकते हैं। ओके, तो ये डेट्स के तहत हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग हो जाए, कोई रिश्ता आपकी तरफ आ जाए, या फिर आप डिफरेंट लोकेशन पर जाओ किसी रिश्ते के लिए, राइट, तो ये भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट लोकेशन से आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, रिकनसाइल करे, राइट, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, आपके हिसाब से लेना है गाइस। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पर कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि बच्चे की खुशी के लिए आप दोनों में यहाँ पर मनमुटाव है, बच्चों की खुशी के लिए हो सकता है गाइस, एंड आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके इन लॉज भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों में यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, राइट, तो ये बच्चे की खुशी भी मुझे होती हुई दिख रही है, तो कंप्लीट फैमिली पैकेज मुझे आपकी तरफ होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय के लिए, जो कि मैंने टाइमिंग आपको बताया है। तो एज पर योर सिचुएशन आपको लेना है, क्योंकि आपके इस हैप्पी फैमिली के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहेगा जो हमारे रीडिंग का टॉपिक है। ओके गाइज, तो यहाँ पर एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, मैंने जैसे कि बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, मूव बियॉन्ड योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, मूव बियॉन्ड योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, आपके जो भी पितर रहेंगे, पूर्वज रहेंगे, उनके आशीष से ही आपकी जो लाइफ है ये बदल रही है, तो आपके पितर भी यहाँ पर आपकी सहायता करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज लेते हैं, वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपके लिए क्लियरली यहाँ पर टाइमलाइन निकला है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आपके लिए ये हैप्पी फैमिली कि जो खुशियाँ है वो आने लगेगी आने वाले समय के लिए, जो कि है नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए। ओके, यहाँ पर रख दे रही हूँ। ठीक है, वन मोर लेते हैं गाइज आपके लिए, लेट्स सी यू हैव योर पीसफुल रिजोल्यूशन। तो अभी आपके लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है, जो कि हमारे रीडिंग का टॉपिक है गाइज। ओके, जहाँ पर हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं या फिर ना हमारी लाइफ जब ट्रांसफॉर्म होती है ना, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा ही आएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये पीसफुल रिजोल्यूशन आपके हैप्पी फैमिली के लिए, आपकी खुशहाल फैमिली के लिए है,
आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके कोर्ट केस के लिए हो सकता है, रिकंसिलेशन के लिए हो सकता है। तो एक पीसफुल रिजोल्यूशन आप देखोगे कि जो कि नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स रहेगा। मैंने आपको टाइमलाइन ऑलरेडी बताया है गाइस, ओके, इट्स अप टू यू। तो अभी आप पर निर्भर है कि आपको यहाँ पर डिसीजन क्या लेना है गाइस, ओके, क्योंकि मैंने कहा कि काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, राइट। तो ये सिचुएशंस तो आपके लिए मोड़ लेंगे, ये सिचुएशंस आपके लिए ट्रांसफॉर्म तो हो जाएगी। तो आपका आपके डिसीजन है या फिर आप क्या सोचते हो ये आप पर निर्भर है गाइस। तो एंजल्स ने कंप्लीटली आप पर छोड़ा है, इट्स अप टू यू कि आपको क्या डिसाइड करना है, आपको इस एनर्जी को कैसे लेना है, इस सिचुएशन को आगे कैसे लेकर जाना है। डिसीजन इज अप टू यू, जो डिसीजन है आप पर निर्भर है गाइस। यस, तो ये कार्ड भी मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ, ओके। तो इट्स अप टू यू, आप क्या डिसीजन लेते हो, एंजल्स ने आप कंप्लीटली आप पर छोड़ा हुआ है गाइस, ओके। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होकर ही रहेगा, एंड इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में क्लेम भी करने के लिए कहा जा रहा है, ग्रेटिट्यूड सेंड करने के लिए कहा जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जो है ये कहीं ना कहीं आपको जाहिर तौर पे गाइड करती है कि किस मंजिल की तरफ जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते की तरफ वे आउट करना है गाइस, ठीक है। तो यस, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर एंजल्स ने आपको बताया कि इट्स अप टू यू, ओके। आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड करेगी, आपकी इनर वॉइस ही आपको गाइड करेगी कि क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, राइट। तो यस माई डियर स्टार्स, ये थी आपके लिए रीडिंग, एंड आई होप गाइज आपसे रेजोनेट जरूर करा होगा, आगे जाके जरूर रेजोनेट करेगा। लेकिन इसे क्लेम करना ना भूलिए, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।